बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। दलादली, बहस मुबाहस और विभिन्न मतभेदों को भुलाकर विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे उतना ही जल्द हम आजादी हासिल कर सकेंगे। हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या संघ शासन विधान को हमेशा के लिए दफना देने की है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल लाइव पुल्स में। आज हम बात करेंगे महान नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में। बचपन का नाम सुभाष था, उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। माता का नाम प्रभावती जो कि एक रिलीजियस लेडी थी, और जो उनके पिताजी थे उनका नाम था जानकीनाथ बोस। तो उनके पिता एक फेमस लॉयर थे कटक में ही, तो बचपन काफ़ी अच्छे से बीता। इसके अलावा अच्छे स्कूल में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, तो उनके जो शिक्षा चल रही थी एक समय का किस्सा है, आज हम उनके बचपन के किस्सों के बारे में बात करेंगे। एक समय उनके वो बैठे हुए थे, अपने होमवर्क कर रहे थे खिड़की के पास, तो उनको एक बुढ़िया देखी। वो बुढ़िया कुछ ऐसी लग रही थी कि उसने काफ़ी दिनों से खाया पिया नहीं है। तो फिर उनके स्कूल जाने का टाइम हो गया। स्कूल जाते टाइम उन्होंने क्या किया कि अपना जो टिफ़िन था वो बुढ़िया को दे दिया, टिफ़िन में से खाना निकाल के बुढ़िया को दे दिया और खुद बिना खाने के रहने लगे। अब ये क्रम डेली हो गया, अब रोज़ वो ऐसा ही करने लगे। फिर क्या था कि उनका जो स्कूल था वो घर से कुछ दूरी पे था, तो उनके पिता उनको स्कूल तक जाने के लिए कुछ बस का किराया दिया करते थे, तो वो घर से स्कूल की दूरी पैदल ही तय करना उन्होंने शुरू कर दिया। और जो किराया बचा करता था वो उस बुढ़िया को या फिर उस तरीके के से जो निस्सहाय लोग हुआ करते थे उनको बांट दिया करते थे। तो ऐसे थे बालक सुभाष। और एक और किस्सा आता है कि एक समय बंगाल फैमाइन फैला था, बंगाल में अकाल फैला था जो कि बहुत ही खतरनाक रूप ले चुका था। हर जगह पे बीमार फैले हुए थे, बीमार लोग ही थे हर जगह पे। तो उस समय बालक सुभाष ने अपनी टीम बनाई, वो टीनेजर में थे उस समय, किशोर वय उम्र थी उनकी। तो बालक सुभाष ने अपनी टीम बनाई और अलग अलग जगह पे अलग अलग मोहल्लों में जाके उनकी जो टीम थी उस टीम के सदस्य सफाई का काम किया करते थे, क्योंकि जो प्लेग बीमारी थी वो भी फैल जाती थी, तो सफाई से इस बीमारी को रोका जा सकता था, थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता था। तो उनका ये जो काम था वो जारी रहा। एक दिन की बात है, उनके पिताजी ने बोला कि आज आपके एक कज़िन का बर्थडे है तो आप उसमें चले जाइएगा, आप ये सेवा काम करने के लिए आप कल भी जा सकते हैं कल। उन्होंने बोला नहीं, मैं तो सेवा करने ही जाऊंगा, और कज़िन का बर्थडे तो फिर नेक्स्ट ईयर भी हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ऐसे थे बालक सुभाष। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और उसमें जो सुधार हो वो बताइएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, खुद सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिलेटिव से सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।